हुए करते हुए अधिकतम मुक्तावाद मार्ग give it in. Oh!
ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਤਾਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ बाइक ले आप मंदर नाल तां कोई रौला नहीं, तुसीं इत्थों चलो, इत्थों चलो। बाबा जी किन्ने मारी गोली, किन्ने मारी है? कदों कदों बजी है? कितने एक मिनट पहले जी, एक मिनट पहले ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਪੜ ਪੱਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਠ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆ, ਡੋਗਰੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਉਸ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੈਲਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਢੁੱਕਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੌਤ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੇ, ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ,
इतने मुसलमान भी दुखी है, इतने कलिक भी दुखी है, इतने सिख भी दुखी है। सुखी कि मैं दस सवेर तो शाम तक किन्ने लोग फाह लै लैके मर रहे हैं भी इस देश भुखमरी पैंती जा रही है। साडा हाल श्रीलंका नालों माड़ा हो जा रहा तो ये साडा ध्यान कन्वर्ट करते हैं होर इन्हां दे विच कोई गलबात नहीं। 1984 वाला किवें आ जाएगा दोबारा? 1984 तो थोड़ी खड़े हैं, 40 साल बाद खड़े हैं। सारे सिखां दे पुत जाणदे आ, कानून जाणदे आ, सारा कुछ जाणदे आ, तो जुत्ती फेरनी तो बड़ी चंगी तरह जानने मुढ़ कदीमा तो सानू कोई यहोजा 84 वाला माल नहीं कर सकता कोई। और जे दिल्ली में यह भुलेखा तो 84 वाला भुलेखा कढ के वेख ले जिन्हों जिन्हों भी ये असी 41-43 नहीं 51 पा के तुरन वाले लोग हाँ। बिल्कुल सिक्योरिटियां का ब्रदर तुहाडा पैसों से ये लोग जेहड़े राज करदे कदे इन्हां ने कदे कोई किसी गरीब हिंदू का इलाज कराया? कदे जाके वेखो जेहड़ा कोई रेहड़ी वाला हिंदू ही नहीं ना बाते आ जे रेहड़ी बेचारे बहुते लाते हैं वो हिंदू आ। कदे आके उन्होंने दुख सुख पूछा किन्ने पीलियन मरते हैं किन्ने आ करोना काल च ही पता लग गया कोई शिवसेना ने किसी आटा दिता 2 किलो ये तो आप बंदर जेड़े आ लोगों के पैसों से पल रहे हैं तो वो जी इन की रक्षा करने वाली है पुलिस वह पैसा कितों आता? वो तुम सारे जेड़े सारा दिन मेहनत करते हो तो पैसा हो तो इन्हों बुरकी मिल जाती है तुहाडे अहम मुद्दों को ध्यान हटाने लिए यहोजा काम कर। साडा जेड़ा मार्च का कोई प्लान नहीं, उन्होंने प्रोग्राम रखा जे उन्हें दम आ। देखो प्रोग्राम सफलता होंगे मार्च का मतलब होंगे शहर का पूरा चक्कर लाना, मार्च का होगा ता ही ना जे हूँ कोई बंदा अपने घर ही वड़ के हूँ असं दुखनवार साहब खड़े हैं मार्च उन्होंने रखा जे उन्होंने दम आ तो मार्च ता पूरा होंगे आ मेन सड़क आ सारी आ जी गोल राउंड इन की कहें खंडा चौंक तो लैके भारा चौंक तक तो बिच देवी मंदिर आ जाता काली माता का यह सारा जोड़ा दुखनवार साहब तक ये बनता मार्च जे दामिया उन्होंने कहो भी जितों मर्जी भारा चौंक आके विखाउन असी असी सिर ना धर धरना लगे सनातन मत जिंदाबाद हिंदू धर्म जिंदाबाद रहे मुसलमान जिंदाबाद रहे ईसाई जिंदाबाद रहे सारिया कौम जिंदाबाद रहन पर सानू कोई मुर्दाबाद कह के सानू चैलेंज कर ले आ साडा जीवना ही खत्म हो गया। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे कोई खालिस्तान जां खालसे नूं मंदा बोले पर जान ना दें। पुलिस प्रशासन जो है पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से स्थिति पर अपने कंट्रोल किए हुए है और जो अफवाह की वजह से ये एक छोटी सी इंसिडेंट 2 मिनट के लिए हुआ था उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और कोई एक मीडिया में इस तरीके की खबर चल रही थी कि SHO की किसी का हाथ काट दिया है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। अफवाहों से बच के रहें, शहर बिल्कुल पूरी तरीके से शांत है जैसे पहले था। और जो ये अपना जत्थेबंदियों के लिए पीस कमेटी की मीटिंग DC मैडम की तरफ से बुलाई गई है जिसमें कि सारे जत्थेबंदियों से जो उनकी कोई मनमुटाव है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शहर में हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रहा है जिससे कि शहर में शांति की भावना है। इंजर्ड वगैरह की अभी चेकिंग कर रहे हैं, अभी तो अभी पहले जो मेन जो हमारा है वो शांति बना के रखनी है। किसने चलाई इस पर सर, जो वो होगी सर इसमें देखो जो भी जांच है वो सारी पूरी होगी कि इसकी क्या गलती थी, किस जत्थेबंदी ने क्या कैसे र्यूमर फैलाई, र्यूमर की वजह से बात बड़ी है, बाकी कोई शहर में शांति में कोई कमी नहीं। पटियाला वासी को क्या अपील करना चाहते हो? शांति बना के रखें, घरों में रहें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ है और स्थिति हमारे कंट्रोल में। नहीं ऐसे कोई टारगेट नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस पूरी सफिशेंट मात्रा में यहाँ फोर्स तैनात है। कुछ हवाई फायर करने पड़े थे जब मौके पर एकदम से स्थिति एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी तो उसके बाद स्थिति बाहर से थे यहाँ के नहीं थे ये भी पता लगा कि कुछ बाहर के लोगों ने आके माहौल गड़बड़ करने की कोशिश की तो उस पे भी हम लोग चेक कर। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।